नमस्कार, लाइफ मैनेजमेंट के लेक्चर सीरीज़ में आपका स्वागत है। और इस लेसन में हम लोग डिस्कस करेंगे कि बॉडी का जो डिसीजन लेने का जो सिस्टम है वो कैसा है। पिछले क्लास में हमने डिस्कस किया था कि एग्जैक्टली हमारी बॉडी के अंदर कौन सी चीज़ें होती है कि जो जिसको लेकर जो है हम लोग डिसीजंस लेते हैं। और इस चार्ट को ऊपर हमने डिस्कस किया था, और इस चार्ट को फिर से एक बार मैं आपके सामने रिवाइज करता हूँ। बॉडी के अंदर पांच ज्ञानेंद्रिय और पांच कर्मेंद्रिय होते हैं। पांच ज्ञानेंद्रिय से इंफॉर्मेशंस बॉडी के अंदर आती है। पांच ज्ञानेंद्रिय है, आँखें हैं, नाक है, कान है, जुबान है और त्वचा है। वैसे हमारे पास जो है पांच वर्क ऑर्गेन्स होते हैं, यानी कि कर्मेंद्रिय होते हैं। कर्मेंद्रिय हमारी होती है जिससे हम लोग काम करते हैं। हाथ है, पैर है, मुंह है, उसके बाद एक्सेटरी ऑर्गेन यानी कि गुदा है, और रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन यानी कि लिंग है। तो ये जो पांच कर्मेंद्रिय और पांच ज्ञानेंद्रियों का योग हमारे शरीर के साथ होता है, और शरीर जो है इन पांच ज्ञानेंद्रियों से इन्फॉर्मेशन लेता है, और हमें जो करना है वो पांच कर्मेंद्रियों के माध्यम से हमसे करवाता है। शरीर के बाद आ जाता है, हम लोग कहते हैं उसको माइंड, बुद्धि। माइंड के अंदर भी मैंने आपको कहा था कि भी दो ऑप्शंस होते हैं, एक होता है कैलकुलेटिव माइंड, एक होता है रीजनिंग माइंड। कैलकुलेटिव माइंड जो है कुछ हद तक जब डेवलप होता है तो हम लोग जैसे को तैसा वाला व्यवहार जो होता है, कुछ भी सोचे समझे बिना जो करना है। और रीजनिंग माइंड, लॉजिकल अप्रोच जिसको हम लोग जो कहता है, ये दोनों चीज़ें हमारी माइंड के अंदर होती है। माइंड में सबकॉन्शियस माइंड होता है कि जो किसी तरह से कि भी हमारे कंट्रोल में नहीं रहता है। और सबकॉन्शियस माइंड के अंदर भी दो चीज़ें होती है जिसको हम लोग कहते हैं कि भाई एक फिजिकल बॉडी, इट कंट्रोल्स द फिजिकल बॉडी, एंड जो स्मूथ हमारे जो डेली ऑपरेशंस होते हैं। जैसे कि भाई आमतौर पे जितने भी हमारे बॉडी के जो फंक्शंस है, डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम वगैरह, ये सारे के सारे सिस्टम जो है वो कुछ हद तक जो है कि सबकॉन्शियस माइंड जो है कंट्रोल करता है, हमें बताए बिना वो सब कुछ करता है। वैसे ही हमारे पास जो है कि भाई सबकॉन्शियस माइंड के अंदर मेटाबॉलिज्म भी कंट्रोल करता है, यानी कि शरीर के अंदर सेल्स का मरना या नए सेल्स का पैदा होना ये करता है। प्लस जो सबकॉन्शियस माइंड जो है हमारा इम्यून सिस्टम, जैसे जैसे एनवायरनमेंट में चेंजेस आते हैं वैसे वैसे बॉडी के अंदर भी चेंजेस करने होते हैं, और वो ऑटोमेटिकली जो है बॉडी चेंजेस करता है, और वो होता है जिसको हम लोग कहते हैं कि दो सबकॉन्शियस माइंड के अंदर। तो सबकॉन्शियस माइंड और एक चीज़ का ख्याल रखती है जिसको हम लोग कहते हैं कि भाई कुछ हद तक हमारे फैमिली जो बिलीव्स होते हैं, जैसे फैमिली बिलीव्स का मतलब होता है कि भाई चलो मैं शाकाहारी हूँ तो मैं मांसाहार नहीं करूँगा, या मैं मांसाहारी हूँ तो मैं शाकाहार पसंद नहीं करता हूँ। इस तरह की जो चीज़ें होती है कि भाई जो हमारे जो बातचीत करने का ढंग या काम करने का ढंग, ये सारी की सारी चीज़ें जो है हमारे फैमिली बिलीव्स के ऊपर डिपेंड करता है। एक बार 10-12 साल का बच्चा जो है एक तरह के जो लाइफस्टाइल को जब अडॉप्ट करता है तो उसी लाइफस्टाइल को हमारे सबकॉन्शियस माइंड के अंदर सेव होता है, और सबकॉन्शियस माइंड के अंदर जो है वो सारे के सारे फैमिली बिलीव्स सेव होने के बाद हम लोग जो है कि भाई वैसा ही बर्ताव करते हैं, उसके अंदर बहुत जल्दी चेंजेस हम लोग नहीं ला सकते हैं। सबकॉन्शियस माइंड के बाद हमारे पास आता है जिसको हम लोग कहते हैं इमोशंस। इमोशंस आर बेसिकली डेवलप्ड एट अ लेटर स्टेज, बिकॉज शुरू से में तो माइंड तो होता ही है, इमोशंस बाद में डेवलप होते हैं। और इमोशंस को हम लोग जो है हमारी फीलिंग जो है हार्ट है, मन है, या उसको दिल ऐसा हम लोग करते हैं। और इमोशंस हमारे काम करते हैं, वर्क्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द फैमिली और सोसाइटी, जिसको हम लोग कहते हैं आमतौर पर जो भी फैमिली प्रेशर, भाई अपने परिवार के लिए, अपने आप के लिए, अपनों के लिए, अपने दोस्तों के लिए हमारी सोच अलग होती है और बाकी लोगों के लिए अलग होती है, ये इमोशंस के दायरे में आ जाते हैं। वैसे हम लोग कहते थे इट वर्क्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द सेंस ऑर्गन, भाई मुझे खाने को क्या अच्छा लगता है, पहनने को क्या अच्छा लगता है,
क्या मेरी लैकिंग है, तो इस तरह की जो सोच होती है वो हमारे ज्ञानेंद्रियों से इन्फ्लुएंस में होती है, सेंसरी ऑर्गन्स के इन्फ्लुएंस में होती है। तो इमोशंस जो है कि भाई कुछ हद तक जो है हमारे सेंसरी ऑर्गन के साथ भी जुड़े होते हैं। इमोशंस के बाद आ जाता है जिसको हम लोग कहते हैं हमारा आत्मा, कि जो हमारा मन जो है हमारे आत्मा के साथ जुड़ा है और वाइस वर्सा। तो हम लोग कहते हैं कि भाई बुद्धि ज़्यादा से ज़्यादा शरीर के साथ जुड़ी है और मन जो है ज़्यादा से ज़्यादा आत्मा के साथ जुड़ा हुआ है। सो दैट इज़ द रीज़न कि भाई मन जो है आत्मा के करीब है, बुद्धि जो है शरीर के करीब है। इसलिए कि भाई हम लोग कई बार कहते हैं कि भाई सबकी सुनो और मन की करो, सुनना किसने है, कान ने सुनना है। तो हम लोग कहते हैं कि भाई सबकी सुनने के बाद मन की करनी है। इसका मतलब ये होता है कि भाई आप सबकी सुनो, लेकिन शरीर के माध्यम से जो आप करना चाहते हैं वो आत्मा के कंसल्ट करके आप उसको करो। तो जहाँ तक पॉसिबल है हम लोग कहते हैं कि भाई इमोशंस के बाद आता है आत्मा, और आत्मा के अंदर भी मैंने आपको कहा था कि भाई दो एस्पेक्ट्स होते हैं। एक को हम लोग कहते हैं कि द डायनेमिक एस्पेक्ट्स, कि जो डेली डे टू डे रूटीन के अंदर जो है वो काम करता है, और डे टू डे रूटीन के अंदर जो काम करने वाला जो आत्मा है जिसको हम लोग आमतौर पर द वॉइस ऑफ द सोल कहते हैं, वो डायनेमिक एस्पेक्ट कहते हैं। बिकॉज हर काम को, छोटा है बड़ा है, आत्मा हमें हमेशा ही गाइड करते हैं। हम उसे सुनते हैं नहीं सुनते हो तो हमारी मर्जी होती है। और दूसरा होता है जिसको हम लोग कहते हैं स्टैटिक एस्पेक्ट। स्टैटिक एस्पेक्ट बेसिकली द साइलेंट ऑब्जर्वर ऑफ योर एक्टिविटीज़। वो कुछ हद तक जो है आपके काम के अंदर दखल नहीं देता है। जैसे लास्ट टाइम मैंने आपको कहा था कि भाई प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर इज़ एक्चुअली टेकिंग डिसीजन, जबकि प्रेसिडेंट जो है इज़ अ साइलेंट ऑब्जर्वर। अगर वो बिल्कुल बहुत ज़रूरी है तो इंटरफेयर करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। वैसे हमारा जो है आत्मा के अंदर जो स्टैटिक एस्पेक्ट होता है, और वो जो स्टैटिक एस्पेक्ट जो है तो कुछ हद तक जो है हम लोग कहते हैं इट इज़ द स्पार्क ऑफ अ डिवाइन, यानी कि भगवान ही वो वहाँ पर है। तो स्टैटिक एस्पेक्ट ऑफ द सोल, और सोल के बाद आ जाता है जिसको हम लोग कहते हैं परमात्मा। आत्मा के बाद आ जाता है जिसको हम लोग कहते हैं परमात्मा, और परमात्मा को आपको जिस नाम से पुकारो वो आपकी मर्जी है। तो यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया कि बिकॉज कुछ हद तक जो है कि जो स्टार जो मैंने बनाए हैं इस बेसिकली वो परमात्मा है, और परमात्मा के साथ भी हम लोग, हर आत्मा परमात्मा के साथ संदर्भ में रहता है। तो इसलिए हम लोग कहते हैं भाई कुछ डिसीजन जो है हम लोग परमात्मा से पूछ के करते हैं, और परमात्मा जैसे गाइड करेगा उस हिसाब से जो है हम लोग डिसीजन लेते हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग आ जाते हैं कि भाई कुछ हद तक कि भाई जैसे जब बच्चा पैदा होने के बाद 10 साल तक का उसका जो डिसीजन लेने का जो तरीका होता है, ही वर्क्स एज पर द रिफ्लेक्स। रिफ्लेक्स मतलब कि भाई कुछ भी सोचे समझे बिना, यानी कि माइंड को कंसल्ट किए बिना वो डिसीजंस लेता है, जिसको हम लोग कहते हैं दैट दे आर टेकिंग द डिसीजन एट अ रिफ्लेक्स लेवल। और आप भी जैसे कि भाई हम लोग बड़े हैं, वो भी कई बार रिफ्लेक्स लेवल पे हम लोग डिसीजन लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं गाड़ी चला रहा हूँ, गाड़ी चलाते हुए मैं किसी इम्पोर्टेंट इशू के ऊपर डिस्कस कर रहा हूँ मेरे साथ जो इंसान बैठा है उसके साथ, तो जो भी फ्रेंड मेरे साथ बैठा है उसके साथ मैं इंपॉर्टेंट इश्यू के ऊपर डिस्कस कर रहा हूँ, मेरा माइंड वहाँ पे काम कर रहा है। लेकिन एट द सेम टाइम गाड़ी चलाते चलाते अगर मुझे कहीं ब्रेक मारना पड़ता है, लेफ्ट टर्न करना पड़ता है, राइट टर्न करना पड़ता है, हम लोग ऑटोमेटिकली करते हैं। यहाँ पर हमें माइंड को कंसल्ट करने की ज़रूरत नहीं होती है। दैट मीन्स डिसीजंस आर टेकन। ब्रेक मारने का डिसीजन है, लेफ्ट टर्न राइट टर्न करने का डिसीजन है, हॉर्न बजाने का डिसीजन है, लेकिन ये डिसीजन जो है बॉडी खुद लेता है, इसको हम लोग कहते हैं रिफ्लेक्स। जिस तरह से कि भाई छोटे या बड़े रिफ्लेक्स एक्शंस के साथ जैसे डिसीजंस लेते हैं, तकरीबन 10 साल तक के जो बच्चे होते हैं वो अपने रिफ्लेक्स के हिसाब से डिसीजन लेते हैं। और रिफ्लेक्स का मतलब यह है कि कुछ हद तक जो है वो माइंड को कंसल्ट किए बिना डिसीजंस लेते हैं, और तकरीबन उनके जो डिसीजंस होते हैं वो जैसे कि भाई जैसे को तैसा, उसने गाली दी तो मैंने भी गाली दी, उसने थप्पड़ मारी मैंने भी थप्पड़ मारी। तो इस तरह के जो डिसीजंस होते हैं जिसको हम लोग कहते हैं जैसे को तैसा, दे बेसिकली टेकन विद द कैलकुलेटिव माइंड, बिकॉज हम लोग माइंड को कंसल्ट नहीं किए बिना या कुछ हद तक जो है कैलकुलेटिव माइंड को, कैलकुलेटिव माइंड का मतलब जैसे को तैसा, कैलकुलेटिव माइंड को ध्यान में रखते हुए डिसीजंस लेते हैं। तो 10 साल के जो बच्चे जो है कुछ हद तक
सोचे समझे बिना, यानी कि माइंड को कंसल्ट किए बिना वो डिसीजंस लेते हैं। कुछ तक 10 साल से लेकर 15 साल तक के जो बच्चे जो होते हैं वो सोचना शुरू कर लेते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं कि दे जो लॉजिकल अप्रोच, उसने मुझे मारा तो मुझे उसे मारना चाहिए कि नहीं मारना चाहिए। उस बच्चे ने मुझे मारा लेकिन मैं उसे नहीं मारूंगा, मैं उसकी कंप्लेंट प्रिंसिपल को करूंगा या टीचर को करूंगा। नाउ दिस इज अ लॉजिकल अप्रोच। मम्मी ने मुझे कुछ कहा तो कुछ हद तक कि भाई मम्मी ने जो कहा वो मुझे अच्छा नहीं लगा, तो भाई मम्मी को भी दो बातें सुना दो, या मम्मी मेरे से बड़ी है और वो पूजनीय है इसलिए मुझे उसे नहीं बोलना चाहिए, इसलिए मुझे चुप बैठना है। ऐसे सोच के हम लोग जो डिसीजन लेते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं कि दैट वी आर यूजिंग द रीजनिंग माइंड, लॉजिकल अप्रोच टूवर्ड्स द डिसीजन टेकिंग। तो कुछ हद तक जो है 10 और 15 साल के बीच में जो है हम लोग लॉजिकल अप्रोच लेकर चलते हैं, और ऐसे ऐसे करके जैसे बच्चे और आगे बढ़ जाते हैं, जैसे 15 से 20 साल तक कुछ हद तक जो है हमारे इमोशंस फुल्ली डेवलप हो जाते हैं। इमोशंस का मतलब ये है कि भाई मैं सेंसरी लेवल पे जो इमोशंस को जब देखता हूँ, तो सेंसरी लेवल के ऊपर जो इमोशंस है जिसके अंदर हम लोग कहते हैं कि भाई मुझे कुछ खाने को अच्छा लगता है सो मैं उसकी डिमांड करूँगा, मुझे कुछ पहनने को अच्छा लगता है तो आई विल ऑलवेज एक्सपेक्ट कि दैट काइंड ऑफ अ गिफ्ट फ्रॉम द पेरेंट्स। उसी तरह से भी मुझे कुछ देखने को अच्छा लगता है, मुझे किसी को छूने को अच्छा लगता है, ये सारे के सारे जो है इमोशंस मेरे सेंसरी लेवल पे डेवलप हो गए हैं, और वैसे इमोशंस हमारे परिवार के लिए जो होते हैं। तो इन चीज़ों को कंसल्ट करते हुए जब मैं डिसीजंस लेता हूँ तो उसको हम लोग कहते हैं कि कुछ हद तक मैं इमोशनल लेवल के ऊपर डिसीजन ले रहा हूँ। और तकरीबन जो है हमारे 15-20 साल के बीच में जो है पूरी तरह से जो है इमोशंस जो है डेवलप हो जाते हैं। लेकिन 15-20 साल के बीच में एक और चीज़ डेवलप हो जाती है हमारे, जिसको हम लोग कहते हैं हमारी पर्सनालिटी। तो पर्सनालिटी का मतलब ये है कि भाई कुछ हद तक जो इमोशंस है, भाई मैं समझ सकता हूँ कि मुझे क्या अच्छा लगता है, मुझे क्या बुरा लगता है, मैं समझ सकता हूँ कि भाई मेरे परिवार के लोग हैं, मेरी अपनी है या पराई है, इसको मैं समझ सकता हूँ। एट द सेम टाइम कि भाई मेरे पास जो भी नॉलेज है उसको कैलकुलेट करते हुए मैं कुछ डिसीजन ले सकता हूँ। तो हम लोग कहते हैं कि भाई माइंड एंड इमोशंस टुगेदर, माइंड एंड इमोशंस टुगेदर जितना भी हमने डेवलप किया है उसको लेकर एक हमारी पर्सनैलिटी बनती है, उस पर्सनैलिटी को हम लोग कहते हैं ईगो। तो मेनी टाइम व्हाट वी डू, वी टेक द डिसीजन एट अ ईगोइस्टिक लेवल। तो मैक्सिमम हमारे जो डिसीजंस होते हैं, ऑल द क्विक डिसीजंस, जो क्विक डिसीजंस होते हैं, दे ऑल टेकन एट अ ईगोइस्टिक लेवल, दे ऑल टेकन एट अ ईगोइस्टिक लेवल। सेट हम लोग कहते हैं कि भाई ईगो जो है, यहाँ पे मैंने चार्ट के अंदर लिखा है, जिसको हम लोग कहते हैं इमोशंस एंड माइंड टुगेदर इज कॉल्ड एज अ ईगो, दैट इज द इंटेलेक्ट और विवेक या विवेक बुद्धि। ऑल क्विक डिसीजंस आर टेकन बाय द ईगो। तो ये चीज़ जो है कि भाई आपको समझना चाहिए कि भाई कौन से डिसीजंस हमने रिफ्लेक्स लेवल पे लेते हैं, कौन से डिसीजंस हम लोग जो है मेंटल लेवल पे लेते हैं, कि कौन से डिसीजंस हम लोग जो है इमोशनल लेवल पे लेते हैं, और कौन से डिसीजंस जो हम लोग ईगोइस्टिक लेवल पे लेते हैं, इसके बारे में हमें समझना ज़रूरी है। ठीक है, एक एग्जांपल लेकर चलते हैं। यहाँ पे मान के चलो कि मेरा भाई है और छोटा भाई है, और वो गलती के ऊपर गलती करे जा रहा है। और जो छोटा भाई है तो सबसे पहले वो गलती के ऊपर गलती करता है, लेकिन मैं क्या सोचता हूँ, अगर मान के चलो कि अगर वो गलती करता है, अगर उसी टाइम अगर मैं उसे कुछ सजा दूँ, जैसे कि भाई मैं उसको थप्पड़ मार देता हूँ, या उसको मैं गाली गलौज करता हूँ, या मैं उसके साथ ऊँची आवाज़ में बात करता हूँ। नाउ दिस इज बेसिकली द डिसीजन टेकन एट अ रिफ्लेक्स लेवल और डिसीजंस टेकन एट अ मेंटल लेवल। तो मेंटल लेवल कहता है कि भाई जैसे को तैसा, अगर वो आपके साथ गलत करता है, बदतमीजी करता है, तो तुम भी उसके साथ बदतमीजी करो। लेकिन हम लोग
एक स्टेज ऊपर जाके देखते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल इमोशनल लेवल पे। मेरा छोटा भाई गलती करता है, मुझे परेशान करता है, लेकिन मैं कहता हूँ कोई बात नहीं यार, छोटा है, नादान है, ना समझ है, ऐसे ऐसे करके सीख जाएगा। वो ना समझ है लेकिन मैं तो समझदार हूँ। अगर वो ना समझ है, मैं समझदार हूँ, तो उस पर्टिकुलर केस में हमारी कोशिश यही रहती है कि भाई कुछ हद तक उसको माफ़ किया जाए। क्यों? वो ना समझ है, वो छोटा है, वो मेरा अपना है, है तो मेरा भाई। तो जहाँ तक पॉसिबल है, ये जो डिसीजन होगा वो डिसीजन होगा एट अ इमोशनल लेवल, एट अ इमोशनल लेवल। तो इमोशनल लेवल पे जब हम लोग सोचते हैं कि भाई क्या डिसीजन होना चाहिए, तो उस पर्टिकुलर केस में हमें ये डिसीजन मिलता है कि भाई नहीं, हमें उसे माफ़ करना चाहिए, क्योंकि वो मेरा छोटा भाई है, वो नादान है, ना समझ है, मैं समझदार हूँ, मैं बड़ा हूँ, मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ, तो मैं उसको माफ़ कर दूंगा, मैं किसी तरह से उसको कोई सजा नहीं दूंगा। लेकिन मेरा छोटा भाई 10 साल हो गए, 15 साल हो गए, वो गलती के ऊपर गलती कर ही जा रहे हैं, बिगड़ते जा रहे हैं। पता नहीं अभी तक तो वो सिर्फ मुझे परेशान करता था, अभी आस पड़ोस वालों को भी परेशान कर रहा है, किसी तरह से जो है सब जगह से उसकी कंप्लेंट आ रही है। तो अभी मैं क्या करूँ? अगर इतने समय तक हमने उसको माफ़ किया कि भाई मेरा भाई समझ के, तो क्या मुझे ऐसे ही आगे करना चाहिए? तो ये मैं किसको कंसल्ट करूँ? आत्मचिंतन, आत्मा के साथ चिंतन। तो हम लोग जब आत्मा से पूछते हैं, तो आत्मा मुझे कहता है कि रही निको, गलत गलती है। जो इंसान गलत है, भले वो तुम्हारा भाई है, लेकिन गलत गलती होता है। कुछ हद तक अगर आप चाहे तो उसको सजा दे सकते हो, अगर आप चाहे तो उसको सजा दे सकते हो। अगर मान के चलो कि भाई वो इंसान गलत है और उसे अगर मुझे सजा देनी है, तो ये कौन कहता है? आत्मा कहता है। लेकिन यार जब मेरे दिल में ये बात आ जाती है और मेरा आत्मचिंतन करने के बाद ऐसा लगता है कि यार कब तक मैं उसको माफ़ करते रहूँगा, मुझे कुछ तो करना पड़ेगा उसका। और जब मैंने आत्मा से पूछा, तो उसने कहा कि भाई तुम्हें उसको सजा देनी चाहिए, क्योंकि वो गलत है, तुम सही हो, और गलत जो है उसको सजा मिलनी चाहिए। लेकिन मैं सज़ा दूँ तो कैसे दूँ? अब यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आ जाता है कि भाई मुझे, मैं आत्मचिंतन करने के बाद भी इसका जवाब नहीं मिलता है। लेकिन हम लोग कहते हैं कि भाई कुछ हद तक जो है आत्मा परमात्मा के साथ जुड़ा है, आत्मा परमात्मा का एक अंश है। तो जो जो चीज़ें खलबली जो आत्मा के अंदर जो मच रही है, वो कभी ना कभी परमात्मा तक पहुँचती है। इसलिए हम लोग कहते हैं कि भाई इन चीज़ों के ऊपर एक दिन, दो दिन, तीन दिन, चार दिन, पाँच दिन हम लोग सोचते हैं, कंटिन्यूस सोचते हैं, हमें जवाब नहीं मिलता है। लेकिन एक दिन जब हम लोग सुबह उठते हैं, तो हमें जवाब मिल जाता है। जवाब क्या मिल जाता है? जवाब ये मिलता है कि भाई तुम अपने छोटे भाई के साथ मीटिंग करो, उसको कहो भैया ऐसा है, अभी तुम बड़े हो गए हो, तुम्हारा अपना परिवार है, अपने बच्चे हैं, अभी ऐसा करो, तुम ऊपर वाला जो फ्लोर है वहाँ पे शिफ्ट हो जाओ, आप अपने तरीके से जियो, हम आपके लाइफ के अंदर कोई इंटरफेयर नहीं करेंगे, या आप जो है हमारी प्रॉपर्टी का जो शेयर है वो ले लो, नज़दीक कोई दूसरा मकान ले लो और वहाँ पे रहो। तो ये जो मेरी जिम्मेदारी है मेरे भाई के प्रति, वो मैं पूरा कर रहा हूँ। बट एट द सेम टाइम जो रोज़ मुझे जो अंदर से जो खाया जा रहा है कि भाई मैं गलत का साथ दे रहा हूँ, मैं गलत का साथ दे रहा हूँ, मैं गलत का साथ दे रहा हूँ, ये जो चीज़ जो है यहाँ पे हमें देखने को नहीं मिलेगी। सो एट द हम लोग कहते हैं भाई कुछ हद तक इस तरह से हमें डिसीजंस लेने चाहिए, इस तरह से हमें डिसीजन लेने चाहिए कि भाई एट रिफ्लेक्स लेवल गलत डिसीजन, एट मेंटल लेवल गलत डिसीजन, एट इमोशनल लेवल इज एट गलत डिसीजन, एट इगोस्टिक लेवल अगेन गलत डिसीजन हो सकता है। सो दैट इज़ द रीज़न हम लोग कहते हैं कि जब हम लोग आत्मा से पूछ के जब डिसीजन लेते हैं वो सही हो सकता है, लेकिन आत्मा भी परमात्मा के साथ कंसल्ट करके जब हमें डिसीजन लेता है, जिसको हम लोग कहते हैं डिसीजन एट अ साइकिक लेवल, डिसीजन एट अ साइकिक लेवल,
जो आत्मा की तरफ से जो डिसीजन आता है कि जो परमात्मा का ही एक अंश है, वो डिसीजन कभी गलत नहीं हो सकता। इसलिए हम लोग कहते हैं द मोस्ट ऑफ द डिसीजंस विच आर टेकन एट अ साइकिक लेवल दे आर ऑल करेक्ट डिसीजंस। मोस्ट ऑफ द डिसीजंस टेकन एट अ साइकिक लेवल दे आर ऑल करेक्ट डिसीजंस। तो इसलिए हम लोग कहते हैं कि जब हम लोग डिसीजन लेते हैं तो इस तरह से लेते हैं। तो इस चार्ट के अंदर मैंने एरोज ड्रॉ करे हैं कि भाई जैसे जो ऊपर 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 जाता है, तो यहाँ पे फिर मैंने एरोज दिखाए हैं कि भाई जो एरोज जो है कि भाई परमात्मा के साथ कंसल्ट करते हैं। अभी आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि भाई क्या वाकई में हम लोग परमात्मा को कंसल्ट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। कई बार हम लोग जब रात को जब सो जाते हैं तो उसके बाद जो है कुछ समय के लिए, एक मिनट के लिए, दो मिनट के लिए आत्मा और परमात्मा का संयोग होता जरूर है। हम नहीं जानते वो दूसरी बात है, लेकिन होता जरूर है। और आपके पास जो भी समस्याएं हैं, प्रॉब्लम्स है, उसका सोल्यूशन जो है परमात्मा की तरफ से आपके पास आता जरूर है। डेट अगेन वापस वहीं पे आ जाते हैं हम लोग कि भाई उसके लिए जो है आपके अंदर स्पिरिचुअल ग्रोथ का होना जरूरी है। अगर आपने स्पिरिचुअल ग्रोथ अगर किया है तो उस पर्टिकुलर केस में आपको आत्मा भी गाइड करेगा, आपको परमात्मा भी गाइड करेगा। देखो कुछ हद तक जो हमारी जो हैबिट है, आपको हैबिट करनी है आत्मचिंतन। आत्मचिंतन का मतलब भी है हम लोग हर छोटी छोटी चीज़ें जो है आत्मा को कंसल्ट करके ही काम डिसीजन लेते हैं। और जब तक हम लोग आत्मा को कंसल्ट नहीं करेंगे तो हमारे तकरीबन डिसीजंस जो है गलत हो सकते हैं। अगर हर वक्त अगर हमें सही डिसीजन अगर चाहिए तो उस पर्टिकुलर केस में हमें हमेशा ही आत्मा को कंसल्ट करना है। देखो आप कहो कि भाई क्या अगर आत्मा अगर हमारे अंदर ही है तो हम लोग क्या उसको हर टाइम कंसल्ट नहीं कर सकते हैं? यहाँ पे आपको थोड़ा सा सोचना चाहिए कि देखो जब बच्चा पैदा होता है उस टाइम उसके अंदर आत्मा है। आत्मा बच्चा रोता भी है, बहुत ज़्यादा रेस्टलेस दिखाई देता है, अकारण हंसता है, अकारण रोता है। उसका रीज़न ये होता है कि जो आत्मा अभी जो नया नया उस शरीर के अंदर है उसके भी कुछ संस्कार है, उसके भी पूर्व जन्म के कुछ मेमोरीज है, उनको याद करके करके जो है कुछ हद तक जो है वो परेशान रहता है। लेकिन जैसे कि बिकॉज 3 महीने में 6 महीने में जब वो डिस्कवर करता है कि यार मैं तो हूँ इस शरीर के अंदर, लेकिन शरीर के माध्यम से मैं वो सब कुछ नहीं कर पा रहा हूँ जो मैं करना चाहता हूँ, क्योंकि शरीर बहुत छोटा है। शरीर के जो ज्ञानेंद्रिय, कर्मेंद्रिय या उसका दिमाग, ये सब कुछ जो है अभी डेवलप नहीं हुआ है। तो आत्मा अपने आप को कहता है कि दैट यू हैव टू वेट, जब तक बच्चा थोड़ा सा बड़ा ना हो जाए तब तक आपको वेट करना है। तो उस केस में जो है बच्चा कुछ हद तक जो है 6 महीने के बाद आत्मा जो है शरीर के अंदर, लेकिन वो निद्रा अवस्था में यानी कि सो जाता है। आत्मा जो है तकरीबन एट एज ऑफ अबाउट 1 year 10 months 6 months वो शरीर के अंदर है लेकिन वो सोया हुआ है, सुप्त अवस्था में है। और वो तब तक नहीं जागेगा जब तक शरीर पूरी तरह से डेवलप नहीं हुआ होता है। तो शरीर कब डेवलप हो जाता है? जैसे हमको मैंने लास्ट टाइम कहा था कि भाई जब बच्चा हाफ टिकट से फुल टिकट बनता है यानी कि 12 years, जितना भी हम लोग जिसको कहते हैं कि भाई 12 के बाद 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, ये जो टीन एज है ये बहुत क्रूशियल है। क्योंकि एट द एज ऑफ 12 और 13 आत्मा जो है आहिस्ता आहिस्ता करके जो है जागृत होना शुरू हो जाता है। जो हम लोग कहते हैं कि जिसके भी आदमी है तो उसको दाढ़ी आना शुरू हो जाती है, लड़कियां जो है कुछ हद तक बड़ी होने लगती है, ये जो अवस्था जो होती है वहाँ पे जो है आत्मा जागृत होना शुरू हो जाता है। और आत्मा देखता है शरीर की तरफ, आत्मा देखता है शरीर कर क्या रहा है, और आत्मा वापस उस शरीर को कहता है कि तू तो कर क्या रहा है, तो क्या करने आया था? तुम सिंगर बनने आए थे, तुम सिंगिंग बनने का तो कुछ किया ही नहीं अभी तक, तो
एटलीस्ट अराउंड एट एज ऑफ 13, 14, 15, 16 ऑल ऑफ अ सडन आपको बच्चा कहने लगता है कि भाई मम्मी मुझे गाना सीखना है, मुझे डांस सीखना है, मुझे क्रिकेट खेलना अच्छा लगता है, मुझे क्रिकेट खेलना है, किसी तरह से मुझे स्विमिंग अच्छा लगता है, मुझे स्विमिंग करना है। जब वो कहता है एट एज ऑफ 13, 14, 15 का मतलब ही है ये जो डायरेक्शंस जो आ रहे हैं उसके पास वो उसके आत्मा की तरफ से आ रहे हैं, क्योंकि आत्मा जानता है कि भाई मैं सिंगर बनने के लिए आया हूँ, मैं आर्टिस्ट बनने के लिए आया हूँ, मैं पेंटर बनने के लिए आया हूँ। आत्मा जब कहता है तो वो फिर मम्मी डैडी को कहेगा। और हम लोग कहते हैं कि भाई मम्मी डैडी कहते हैं कि यार चुप कर, पढ़ाई कर, पढ़ाई में ध्यान दे, तुझे इंजीनियर बनना है, तुझे डॉक्टर बनना है, तुझे अव्वल नंबर से जो है ग्रेजुएशन कंप्लीट करनी है, पता नहीं हम लोग उसको क्या क्या कह देते हैं, उसको चुप कराते हैं। एंड ही ऑलवेज रिमेन्स रेस्टलेस, या मैं जो बनना चाहता था वो मैं नहीं बन पा रहा हूँ। और ये जो चीज़ें जो है कुछ हद तक जो है उसके अंदर जो इनकाउंटर्स होती रहते हैं, शरीर और आत्मा के अंदर इनकाउंटर्स होना शुरू होते हैं। और आपने देखा कि कई बार बहुत से बच्चे एट द एज ऑफ 14, 15, 16 उनके अंदर जो है सुसाइडल टेंडेंसी डेवलप होना शुरू होते हैं, बिकॉज आत्मा ये कहता है यार ये कैसा शरीर मुझे मिला है, जो मैं चाहता था वो मैं नहीं बन पाऊँगा इस पर्टिकुलर शरीर में, वाई नॉट कि लीव दैट पर्टिकुलर बॉडी एंड गो अवे, मैं उस शरीर को छोड़ के मैं चला क्यों नहीं जाऊँ। इसी को हम लोग सुसाइडल अटेम्प्ट यानी कि सुसाइडल टेंडेंसी कहते हैं। अगर वाकई में अगर बच्चा एक बार भी ये बात कहता है तो माँ बाप को बहुत सीरियस लेना चाहिए उसको। अगर बच्चा कहता है कि भाई माँ मैं घर छोड़ के चला जाऊँगा, माँ मुझे लगता है कि मैं जल खा के मर जाऊँ, ऐसी ज़िंदगी जीने से तो बेटर है कि भाई मैं कहीं चला जाता हूँ, आप भी खुश मैं भी खुश, तो ये जो इस तरह की अगर बातें अगर उसके अंदर से आने लगेगी तो आपको समझना चाहिए कि दैट इज रिजेक्शन फ्रॉम द सोल ऑफ दैट पर्टिकुलर बॉडी, और ये चीज़ आगे जाके सीरियस नहीं होनी चाहिए। इसलिए बेटर कि हम लोग कई बार माँ बाप को यही एडवाइस देते हैं कि देखो जब माँ बाप का फर्ज है, क्योंकि बच्चों की लाइकिंग को पहचानो, बच्चों के उनके अंतरात्मा की आवाज़ को पहचानो। हम लोग कई बार उनके सामने अपॉर्चुनिटीज डालते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल बच्चे का बर्थडे है, 10 साल का बच्चा है, 12 साल का बच्चा है, बच्चे का बर्थडे है, हम उसको गिटार प्रेजेंट करते हैं, और गिटार प्रेजेंट करने के बाद वो गिटार के साथ खेलता है, गिटार के साथ खेलता है, गिटार के साथ खेलता है, और उसके बाद वो छोड़ देता है या उस गिटार को और अच्छी तरह से एंजॉय करता है। उसका मान के चलो बर्थडे है 12 इयर्स का या 13 इयर्स का 14 इयर्स का, हम उसको जो है किसी डांसिंग स्कूल का एडमिशन दिलवा देते हैं कि बिकॉज ये मैंने तुझे एडमिशन दे दिया है उस डांसिंग क्लास के अंदर, तू जाके डांस सीख ले। अगर हो सकता है कि उस चीज़ को अगर एंजॉय अगर वो करता है तो उस केस में जो है वो फैकल्टीज उसके अंदर है, उसका आत्मा उसको डांसर बनाना चाहता है या उसका आत्मा उसको सिंगर बनाना चाहता है, म्यूजिशियन बनाना चाहता है, या हम लोग उसको क्रिकेट के बैट प्रेजेंट करते हैं, बैट बॉल प्रेजेंट करते हैं और देखते हैं कि दैट ही इज़ सो हैप्पी कि भाई मुझे क्रिकेट क्लब में मैंने एडमिशन लिया। तो तकरीबन वो सारी जो पॉसिबिलिटीज जो है कि भाई जहाँ पे उसको उसके इनर फैकल्टीज़ को हम लोग डेवलप कर सकते हैं, ऐसे ऑप्शंस उसके सामने रखने चाहिए। ज़रूरी नहीं कि भाई जो ऑप्शन आपने उसके सामने रखा है उसको एक्सेप्ट करे, कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन माँ बाप का फर्ज बनता है तकरीबन सभी तरह के ऑप्शंस उसके सामने रखे। और स्कूल भी है, एजुकेशन भी है, वो अपनी जगह पे है, लेकिन इसके अलावा अगर वो कुछ बनना चाहता है, अगर वो स्पोर्ट्समैन बनना चाहता है, अगर वो किसी तरह से कि बिकॉज वो पायलट बनना चाहता है, किसी तरह से एडवेंचर की अगर उसकी रुचि है तो उसको वैसा करने दो, रोको नहीं उसको। अगर वो करेगा तो उसका आत्मा खुश हो जाएगा, उसके आत्मा की तरफ से उसको 100% सपोर्ट मिलेगा, और आत्मा की तरफ से जब सपोर्ट मिलेगा तो परमात्मा से भी सपोर्ट मिलेगा, क्योंकि परमात्मा ने उसको वो बनने के लिए भेजा है। तो इसलिए हम लोग कहते हैं कि कुछ हद तक ये जो डिसीजन मेकिंग जो सिस्टम हमारा जो है कि बॉडी किस तरह से डिसीजन देता है, और डिसीजन लेना हम लोग जो बातचीत जो करते हैं, हम लोग जो गुस्सा जो करते हैं, हम अपने आप को जो एक्सप्रेस जो करते हैं, वो सारी की सारी चीज़ें जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है।
और एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि देखो, जैसे फॉर एग्जाम्पल कि भाई जो हमारा द डेस्टिनी ऑफ अ लाइफ, हम लोग कहते हैं कि भाई हमारे लाइफ का कुछ ना डेस्टिनी होगा, मुझे कहाँ तक पहुँचना है हमें नहीं पता है। उस डेस्टिनी तक पहुँचने के लिए हमें बहुत ज़्यादा प्रयास करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा जो है प्रयास करने की ज़रूरत नहीं, हम लोग अपने आप उसके पास पहुँच जाते हैं। और डेस्टिनी तक पहुँचने का जो पाथ क्या होगा हमें नहीं पता। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बता देता हूँ, हमारी नदी है गंगा, दूसरी नदी है ब्रह्मपुत्र, दोनों ही हिमालय पे उगम होती है और अल्टीमेटली बे ऑफ बंगाल में जाके विसर्जित हो जाती है। अभी दोनों ही नदियाँ एक ही जगह पे उगम हो गई है और अल्टीमेटली एक ही जगह पे जाके विसर्जित होनी है, लेकिन दोनों का ही जो मार्ग जो है, पाथ जो है, वो इंटायरली डिफरेंट है। इसी तरह से अगर मुझे कामयाब स्पोर्ट्समैन बनना है, मुझे कामयाब एक्टर बनना है, मुझे कामयाब डॉक्टर बनना है, लेकिन वो डॉक्टर बनने का जो मार्ग है, पाथ है, वो सबका एक जैसा नहीं होता है, अलग अलग हो सकता है। इसीलिए हम लोग कहते हैं भी कुछ हद तक अपने आप को फ्री छोड़ो, खुला छोड़ो, उससे पता चलेगा कि भाई वाकई में आप कहाँ तक जा रहे हैं। तो हम लोग कहते हैं कि भी जो जो कुछ आपके साथ हो रहा है उसी मार्ग से आप आगे बढ़ने वाले हैं। अगर गलत हो जाता है तो उससे भयभीत होने की, चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर अच्छा हो जाता है तो उससे भी बहुत ज़्यादा एक्साइट होने की जरूरत नहीं है। एंड यू हैव टू बी वेरी से कूल एंड काम एंड कीप मूविंग इन दैट पर्टिकुलर डायरेक्शन। लेट द लाइफ फ्लो, लेट द लाइफ फ्लो। हम लोग कहते हैं अगर मैं यहाँ पे पानी गिराता हूँ, अगर वो पानी इस डायरेक्शन में जाता है, अगर मैं वहाँ नहीं, मैं यहाँ पे लाना चाहता हूँ, तो वो पॉसिबल नहीं होगा। मैं इधर लाने की कोशिश करता हूँ, वापस वो वहाँ भागता है, मैं वापस यहाँ लाने की कोशिश करता हूँ, वापस वहाँ भागता है। इंस्टेड ऑफ दैट लेट इट फ्लो, उसको जिस तरफ भागना है उस तरफ भागने दो। इसलिए हम लोग कहते हैं कि हमारा जीवन भी वैसा है, जीवन सरिता जिसको हम लोग जो कहते हैं, जीवन सरिता, दैट अवर लाइफ इज ऑल्सो लाइक अ रिवर, लेट इट सिंपली फ्लो। जिस डायरेक्शन में जा रहा है उस डायरेक्शन में जाने दो और उसी डायरेक्शन में जाके अल्टीमेटली जो है उसका जो ध्येय है या अल्टीमेट उसका जो है पर्पज ऑफ लाइफ जो है उसको मिल जाएगा। तो यही चीज़ें जो है आज के लेसन में, अगले लेसन में हम लोग डिस्कस करेंगे जिसको हम लोग कहते हैं कि भाई हमारे लाइफ के अंदर, एक ही लाइफ के अंदर चार अलग अलग जिंदगियां होती है, उसको हम लोग समझेंगे, हमें पता चलेगा कि हर एक जिंदगी को हम लोग किस तरह से जी सकते हैं। एनीवे, थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी। नमस्कार।